और अगली खबर चतरा से है, जहां हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और हाथियों के आतंक से लोग वहां पर दहशत में हैं, ग्रामीण डरे हुए हैं और ये शिकायत है उनकी कि लगातार वन विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है, इसके बावजूद वन विभाग उनकी मदद के लिए समय पर नहीं पहुंचता। आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए हाथियों का आतंक किस कदर वहां मचा हुआ है। खेतों में लगी फसलें नष्ट कर दी हैं, कई घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है, लोग बेघर हो गए हैं, डरे हुए हैं, रत जगा कर रहे हैं। और अब ये भी शिकायत है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी टीम समय पर नहीं पहुंचती उनकी मदद के लिए, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। किसी तरह वो अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वो एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं ताकि हाथियों से उनकी जान बचाई जा सके, उनके घर को उजड़ने से बचाया जा सके, उनकी फसलों को बचाया जा सके। तो चतरा की यह खबर, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। टंडवा डहू गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है, खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है, कई घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है और अब वहां के लोग काफी डरे हुए हैं। वन विभाग से काफी शिकायत भी है, एक आक्रोश भी है वन विभाग से कि वो मदद की गुहार लगाते हैं लेकिन वन विभाग की टीम समय पर पहुंचती नहीं, मौके पर पहुंचती नहीं ताकि उन्हें हाथियों के आतंक से बचाया जा सके। गुस्सा है स्थानीय लोगों में वन विभाग के प्रति भी। ये तस्वीर चतरा की। सहयोगी शैलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेश, देखिए ये हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है लेकिन वहां जो लोग हैं आसपास रहने वाले, उनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं कर रहा और यही वजह है कि लोग काफी डरे हुए हैं, वन विभाग के लिए उनका आक्रोश भी है और ये आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती नहीं समय से, इन सब चीजों को लेकर गुस्सा भी है, डर तो है ही लेकिन गुस्सा भी है वन विभाग के प्रति लोगों में। जी जी, इन दिनों पूरे चतरा जिले में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों कई जंगली इलाके से निकलकर चतरा जिले के कई प्रखंडों ने भ्रमणशील है और कई खेतों और खेत में लगे फसलों को नष्ट करके और आदमियों को भी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कई लोगों को भी जान ले चुके हैं। इसी क्रम में हाथियों के झुंड लगातार चार दिनों से टंडवा के डहू गाँव में जमवाड़ा लगाए हुए हैं। डहू गाँव के खेत में लगे फसलों को रौंद कर कई लोगों को जान को भी मारने का प्रयास किया लेकिन लोगों खेत छोड़कर जान भगाए। वन विभाग से लगातार लोगों मांग कर रहे हैं कि जंगली हाथियों को कहीं दूर इलाके में जाके भगाया जाए, पर वन विभाग के जितना भी कर्मी है या फिर फॉरेस्टर है ये भी फिलहाल आंदोलन में व्यस्त हैं। आंदोलन में रहने के वजह से ये हाथियों पूरा क्षेत्र में दस्तर मचाए हुए है और वन विभाग के कई कर्मी गांव में नहीं पहुंचने से लोगों ने भी दस्तर का माहौल है और लोगों में भी आक्रोश का है। लोगों का कहना है कि वन विभाग के कर्मी हड़ताल में रहने से वो हाथियों गांव में भी घुसकर कई लोगों को जान माल के साथ नुकसान पहुँचा सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। तो चतरा की यह खबर, जहां टंडवा के इलाके में हाथियों का झुंड घुस आया है, लगातार उत्पात मचा रहा है और लोग वहां पर डरे हुए हैं, वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं।